अब हम आपको बिहार पुलिस की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बिहार पुलिस के ऐसे रूप को शायद ही आपने कभी पहले देखा हो। हाथ में AK-47 और मन में रेत माफियाओं के सफाए का इरादा। पटना के SSP मनु महाराज ऑपरेशन दियारा पर निकले थे और हालात ऐसे थे कि पुलिस को देखते ही माफिया और उसके गुंडे भाग खड़े हो। पहली नजर में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन दरअसल ये बिहार पुलिस का सिंघम अवतार है। हाथ में AK-47 और निशाने पर रेत माफिया। पटना के SSP मनु महाराज ने रेत माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन दियारा शुरू किया है। मनेर के दियारा में बालू माफियाओं का हुकूमत चलता है। इस हुकूमत को तोड़ने के लिए पटना के SSP ने अपने दल बल के साथ ऑपरेशन दियारा शुरू किया। माफियाओं के बढ़ते वर्चस्व और रंगदारी की घटनाओं से निपटने में पटना पुलिस नाकाम साबित हो रही थी, जिसकी वजह से रेत माफियाओं को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी SSP मनु महाराज ने खुद संभाली। पीला सोना कहे जाने वाले सोन नदी के बालू के लिए माफियाओं के बीच आए दिन खूनी संघर्ष होता है। रविवार को दो गुटों में गैंगवार की खबर के बाद इनका सफाया करने निकली है पटना पुलिस। बाढ़ की वजह से सोन नदी पूरे उफान पर है। बावजूद इसके मनु महाराज और उनकी टीम ने नाव से नदी को पार किया और सोन नदी के इलाके में पहुंचे। क्या लगता है कैसे ये फिर से अपनप गया? कौन लोग इसके पीछे हैं जो इसको सह दे देते हैं? कुछ अपराधी तत्व हैं जिसमें एक फौजी गैंग का नाम है और दूसरी तरफ एक सिपाही गैंग है, वो सब इसमें शामिल हैं। बिहार पुलिस का ये नया अवतार है जो देखने को मिला। मनु महाराज निकले थे रेत माफियाओं के खिलाफ।